बारिश की आंख मिचौली अब पूरी तरह खत्म होने की कगार पर है। अक्टूबर महीने की शुरुआत के साथ ही ठंड भी दस्तक दे चुकी है। दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में ठंड महसूस होने लगी है। पिछले दो तीन दिनों में अगर आप सूरज निकलने से पहले उठे होंगे या रात को डिनर के बाद टहलने निकले होंगे तो समझ गए होंगे कि गुलाबी सर्दी के संकेत मिलने लगे हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने बताया है कि अब रात के तापमान में और अल सुबह के तापमान में गिरावट देखी जा रही है। रात का तापमान करीब 18 डिग्री के करीब पहुंच जा रहा है, यानी मौसम ने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि अब पंखा कूलर AC बंद करने का समय आ गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर पश्चिम से आने वाली हवाओं और आसमान साफ रहने से रातें ठंडी हो रही हैं। अगले 48 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान करीब 18 डिग्री के आसपास रह सकता है। मौसम विभाग के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि साल 2021 और साल 2022 में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में न्यूनतम तापमान में गिरावट आनी शुरू हुई थी, लेकिन इस बार अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने इसकी वजह भी बताई है। उनके अनुसार दिन में आसमान साफ रहने से गर्मी जल्दी खत्म हो जाती है और रातें सामान्य से अधिक ठंडी होने लगी हैं। उत्तर पश्चिमी हवाएं और तेज हवाओं के न होने से भी रात के तापमान में गिरावट बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने चेताया कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश के कारण उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं तापमान में अचानक गिरावट का कारण बनेंगी। अक्टूबर के तीसरे और चौथे सप्ताह के अंत तक रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंचने की उम्मीद है। मौसम विभाग की माने तो पिछले दो सालों में मानसून काफी देर से खत्म हुआ है, इसलिए लंबे समय तक बादल छाए रहे। वैसे हर साल मानसून आधिकारिक रूप से 30 सितंबर को खत्म होता है, लेकिन इस बार 4 अक्टूबर तक देश के कई राज्यों में बारिश होती रही। वैसे बता दें कि इस बार मानसून में कुछ चीजें बिल्कुल अलग प्रकार की देखने को मिली, जैसे कि इस साल जून का महीना साल 1901 के बाद से 49वां सबसे सूखा महीना गुजरा है। इस महीने में 5.5% कम बारिश हुई, वहीं जुलाई में 13.3% अधिक बारिश हुई। अगस्त इस सीजन के सबसे सूखे महीने के रूप में गुजरा है, इस महीने में 34.5% बारिश हुई है, वहीं सितंबर में 13% अधिक बारिश हुई है। फिलहाल जानकारी के लिए बता दें कि 30 सितंबर को मानसून का मौसम आधिकारिक रूप से समाप्त हो जाता है, फिर धीरे धीरे ठंड की शुरुआत होती है।